स्वागत है आपका शब्दों की खेती में। फिल्म तंत्र की क्यारी से आज पेश खिदमत है संगीतकार। इसमें स्वतंत्र भारत में सक्रिय संगीतकारों का जिक्र हुआ है। रुचिकर प्रतीत हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरंभिक सवाक फिल्मों में अभिनेता स्वयं अपने गीत गाते थे। 1930 से अभिनेताओं के लिए पार्श्व गायन की प्रथा पनपी, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि हर अच्छा अभिनेता एक अच्छा गायक भी हो। इसके अतिरिक्त शूटिंग की दृष्टि से भी गीतों की पूर्व रिकॉर्डिंग सुविधाजनक प्रतीत हुई होगी। इस प्रकार हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशकों का उत्तरदायित्व बढ़ा तथा भावाभिव्यक्ति के लिए नेपथ्य ध्वनि संयोजन का महत्व स्पष्ट होने के साथ साथ संगीत फिल्म की अनिवार्यता बन गया। स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रारंभिक दो दशकों में हिंदी प्रदेशों के गीतकारों व अहिंदी प्रदेशों के संगीतकारों ने एकजुट होकर हिंदी फिल्मों के गीत संगीत को मधुरता की पराकाष्ठा तक पहुंचाया, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत तथा पाश्चात्य संगीत का सहज माधुर्य समन्वित है। इस अवधि में हिंदी फिल्मी गीत संगीत का जो मानक स्थापित हुआ, वो आज भी गायक गायिकाओं के लिए अनुकरणीय बना हुआ है। पाश्चात्य संगीत से अनुप्रेरित द्रुत लय ताल के प्रशंसक नई पीढ़ी के संगीत रसिक भी तत्कालीन बोलों और धुनों के दीवाने हैं। उन दिनों के संगीतकारों में आरसी बोराल, सज्जाद हुसैन, गुलाम मोहम्मद, नौशाद, अनिल विश्वास, हेमंत कुमार, सी रामचंद्र, एसडी वर्मन, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, एस एन त्रिपाठी, बसंत देसाई, चित्रगुप्त, एन दत्ता, रवि, मदन मोहन, रोशन, ओपी नैयर, खय्याम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी वर्मन, रामलाल, सुधीर फड़के, सोनिक ओमी, जयदेव, सलिल चौधरी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और विगत शताब्दी के अंतिम चरण में सिने संगीत के प्रांगण में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले संगीतकारों में अनु मल्लिक, नदीम श्रवण, ए आर रहमान, जतिन ललित, आदेश श्रीवास्तव, आनंद मिलिंद, हिमेश रेशमिया, देबू ज्योति मिश्रा, रूप कुमार राठौर, आनंद राज आनंद, शंकर एहसान लॉय, निखिल विनय, अमित त्रिवेदी आदि का नाम लिया जाता है। फिल्मोद्योग की प्रगति की प्रक्रिया में अनुभूति एवं अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में नित नूतन प्रयोग होना अस्वाभाविक नहीं। अभिव्यक्ति के माध्यमों में भाषा और भाषा के साधनों में शब्दों का विशेष महत्व होता है। स्मरणीय है कि बहुभाषा भाषी भारत के विविध वर्गीय दर्शकों के लिए बनाई जाने वाली फिल्मों की भाषा की सहज संप्रेषणीयता हेतु तत्सम शब्दावली की अपेक्षा लोक प्रचलित तद्भव देशी या विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता रहा। शेष फिर कमेंट करें, शेयर करें। आभार।